बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फुल वेव रेक्टिफायर की लैब को परफॉर्म करेंगे और उसकी लैब को परफॉर्म करने के लिए सर्किट जो कनेक्ट किया आप उसको देखें। ये हमारा सर्किट है जिसके अंदर चार डायोड हैं और एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम में होता है। और हमारे पास इसके इनपुट के कनेक्शन जा रहे हैं और आउटपुट के कनेक्शन हम ले रहे हैं रेजिस्टर के अक्रॉस। तो हम अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं। इसकी एम्पलीट्यूड हमने दिया हुआ है 10 वोल्ट्स और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने दी हुई है 50 हर्ट्ज़, बट वी विल शिफ्ट इट टू 1 किलो हर्ट्ज़। हम इसको 1 किलो हर्ट्ज़ पे देखते हैं। हाँ जी, पैरामीटर्स इस वक्त एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 वोल्ट्स पीक टू पीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 किलो हर्ट्ज़ है। तो अब हम इसके आउटपुट वेव फॉर्म देखते हैं ऑसिलोस्कोप पे। ये हमारे सर्किट की आउटपुट वेव फॉर्म है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एज़ कम्पेयर टू इनपुट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है, क्योंकि टाइम पीरियड इज़ रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि नेगेटिव साइकिल भी हमारे पास पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाती है। ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का एक टेबल है जिसको हम आज परफॉर्म करने के बाद कम्प्लीट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज़ देनी है और आपने 4 कैपेसिटर यूज़ करने हैं, और आपने DMM से भी DC वैल्यू मैया करनी है और CRO से भी DC वैल्यू मैया करनी है। फिर रिपल फैक्टर कैलकुलेट होगा कि इन चारों कैपेसिटर में से कौन सा कैपेसिटर जो है वो बेटर है। हमने अपने सर्किट में 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है। अब हम अपनी ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट देखते हैं। जी, ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है ऑसिलोस्कोप पे, और अगर हम पीक टू पीक रिपल को देखें तो वो हमारे पास कुछ दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 2 वोल्ट्स, क्योंकि आपकी वोल्टेज वर्टिकल सेंसिटिविटी 2 वोल्ट्स है और डिवीजन भी एक ही कवर हो रही है। तो हमारे जो पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल है दैट इज़ 2 वोल्ट्स। अब हम CRO से DC वैल्यू को मैया करेंगे यूजिंग कपलिंग डिफरेंस। उसके लिए आपने अपने पहले चैनल को सिलेक्ट करना है। मैं चैनल को सिलेक्ट कर चुकी हूँ, चैनल 1, और ये कपलिंग F1 में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं AC और DC। जो इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर DC वैल्यू बाय CRO। इस वक्त अगर आप इसको देखें तो ये नेगेटिव, इसका जो रेफरेंस, अगर नेगेटिव को आप रेफरेंस बनाएं वो आपका रेफरेंस पॉइंट पे ही लाई कर रहे हैं, और अगर आप DC के बाद इसकी कपलिंग को AC में शिफ्ट करें तो ये जी आ गया है नीचे। तो अब आप देखें कि ये कितना कवर किया है इसने ऑलमोस्ट 3 वोल्ट्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि 2 वोल्ट्स की एक डिवीजन है और ये नेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में जा रहा है। सो 3 वोल्ट्स इज़ दी DC वैल्यू ऑफ दिस सर्किट बाय CRO। जब हमने DC को DMM से मैयर किया तो वो 2.97 दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम एज बाय ऑसिलोस्कोप। अब हम अपने सर्किट में कैपेसिटर को चेंज करते हैं। 100 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर के साथ हमारे पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल किस तरह के आ रहे हैं। 100 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल 500 मिलीवोल्ट आपका पूरा बॉक्स है, और मैंने मेजरमेंट के बटन से इसको डायरेक्ट देखा है तो ये हमारे पास 0.316 आ रहा है, क्योंकि 316.18 मिली वोल्ट है। सो पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल आपका अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है 2 वोल्ट से 0.316। और स्टूडेंट्स, ये आप देखें कि आपने कैपेसिटर को बढ़ाया तो आपका रिपल जो है उसने रिड्यूस होना है। अब हम कपलिंग से अपनी DC वैल्यू मैया करते हैं। कपलिंग से अगर हम देखें इस वक्त ये AC कपलिंग पे है और ये इस पॉइंट पर रिप्लाई कर रहा है जहाँ पे आपका कोर्स लिखा है। अगर अब आप इसकी कपलिंग को चेंज करके इसको DC पे शिफ्ट करें तो ये कितने इसने बॉक्सेस कवर किए, इट हैज़ कवर्ड 3 बॉक्सेस इसने कवर किए हैं। 1 वोल्ट पर डिवीजन है तो इसका मतलब है इसने अराउंड अबाउट 3 वोल्ट्स कवर किए हैं। 3 वोल्ट्स इसका DMM DC वैल्यू इज ऑलमोस्ट 3 वोल्ट्स बाय CRO। जब DC वैल्यू को DMM से मैया किए तो दैट इज़ इक्वल टू 3.1 वोल्ट्स, तो ये आपकी नियरली इक्वल टू ऑसिलोस्कोप वैल्यू है। अब हम लगाएंगे 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और उसके साथ अपने रिजल्ट्स देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हमने 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया तो आपका पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल मज़ीद रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इसकी वर्टिकल सेंसिटिविटी 50 मिलीवोल्ट है, यानी कि 0.05 वोल्ट इज़ योर पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपल। अब हम कपलिंग को देखते हैं। कपलिंग को देखने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी वर्टिकल सेंसिटिविटी को चेंज करना है, इसको आपने बढ़ाना है, क्योंकि आपका सिग्नल आपको नज़र ही नहीं आएगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो स्क्रीन से आउट हो जाता है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कपलिंग के थ्रू सीआरओ से डीसी वैल्यू को मैयर करें। चैनल को स्टैक करने के बाद अगर आप इसको देखें तो आपका ये 3 बॉक्सेस कवर कर रहा है। अब हम डीएमएम से वैल्यू मैयर करते हैं। डीएमएम से आपकी वैल्यू 3.1 वोल्ट्स के इक्वल आ रही है, जिस तरह से आपकी सीआरओ से थी। अब लास्ट कैपेसिटर लगाएं 1000 माइक्रोफेरेड का। जब हमने 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है तो इस वक्त हमारे पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपर मज़ीद रिड्यूस हो चुके हैं 20 मिली वोल्ट। आपकी वर्टिकल सेंसिटिविटी और मेजरमेंट के थ्रू आप इसको डायरेक्ट देखें तो 0.024 इज़ योर पीक टू पीक ट्रायंगुलर रिपर विच हैज़ बीन रिड्यूस मच। अब हम अपने सीआरओ से वैल्यू मेजर करेंगे डीसी की। आप कपलिंग को आप चेंज करें और मेजरमेंट के साथ जी ये आपका ग्राउंड हो गया और आपके डीसी में ये ऑलमोस्ट 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। अब हम लास्ट स्टेप करेंगे और डीएमएम से डीसी की वैल्यू मैयर करेंगे। डीएमएम से आपकी वैल्यू जो है वो 3.1 के इक्वल अभी आ रही थी जी, 3.1 वोल्ट के राउंड अबाउट आएगी ये जितनी आपकी सीआरओ से डीसी की वैल्यू है। अब हम अपनी वैल्यूज़ को देखें तो ये हुई है 20 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के साथ, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली इसको थोड़ी डिफरेंट कैपेसिटर के साथ किया, लेकिन जो कंक्लूजन है वो बहुत क्लियर है कि रिपल फैक्टर जो होता है वो हमें हमारे फ़िल्टर की इफेक्टिवनेस बताता है। और फिल्टर क्या है? फिल्टर कैपेसिटर है। कौन सा फ़िल्टर ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर, हमारा रिपल फैक्टर रिड्यूस होता है। रिपल फैक्टर रिड्यूस होना हमारा एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे हमारा जो रेक्टिफिकेशन है वो अचीव हो रही होती है और हमारी जो एसी की वेव फॉर्म है वो डीसी में शिफ्ट हो रही होती है। और आपने उसको फाइनल स्टेप पे डीसी बनाने के लिए तो रेगुलेटर ही यूज़ करना है जो जीनर डायोड के थ्रू बनेगा। सो आप अपने कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएं, आपका रिपल फैक्टर रिड्यूस होगा और हमारी यही रिक्वायरमेंट है। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।